इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पक्षी के प्रतिनिधि टाइपिकल बर्ड्स, जिसमें हैं कोलंबो लिविया, पैरोट, पैशर डोमेस्टिकस, फोनिकॉप्टेरस, यूडाइनेमिस। सबसे पहले देखते हैं पिजियन या कोलंबो लिविया। यह वही पक्षी है जिसे हम बोलचाल की भाषा में कबूतर बोलते हैं। कोलंबो लिविया क्लासिफिकेशन: फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एविज, ऑर्डर गेविफार्मिस, जीनस कोलंबा, स्पीसीज लिविया। इसके बाद देखेंगे इसके कमेंट्स या कैरेक्टर। कमेंट्स: यह मनुष्य के आसपास पाया जाने वाला सुपरिचित भोला भाला पक्षी है। इसे सामान्यतः ब्लू पिजियन या कबूतर कहते हैं। पंखों का सामान्य रंग भूरा नीला होता है। पैर गहरे लाल तथा आंखें गुलाबी पीली होती हैं। पंख विकसित होते हैं। उड़न तेज होती है। दोनों लिंग समान होते हैं। चोंच पतली व कमजोर होती है। आंखें बड़ी होती है। पूंछ में 12 बड़े पंख पाए जाते हैं। क्रांप बड़ा दूध ग्रंथि युक्त होता है। अगला है पैरोट, सिटैकुला क्रेमेरिया तोता। क्लासिफिकेशन: फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एविज, ऑर्डर सिटैकिफार्मिस, जीनस सिटैकुला, स्पीसीज क्रेमेरी। कमेंट्स: यह प्रायः शहरों, गांवों व कस्बों की सीमा वाले भाग में समूह में रहने वाला पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है जिसे पाला भी जाता है। इसके पंख चमकदार हरे रंग के होते हैं। ऊपरी चोंच छोटी व चौड़ी पाई जाती है। चोंच चमकीली लाल रंग की होती है। नर पक्षी के गले के चारों ओर लाल रंग की पट्टी होती है। पूंछ लंबी होती है। यह प्रायः वृक्षों के कोटरों में अंडे देता है। इसके बाद देखेंगे पैसर डोमेस्टिकस। ये डायग्राम स्पैरो पैसर डोमेस्टिकस नर का है। पैसर डोमेस्टिकस क्लासिफिकेशन: फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास बर्ड या एविज, ऑर्डर पैसेरी फार्मिस, जीनस पैसर, स्पीसीज डोमेस्टिकस। कमेंट्स: यह आम जानी पहचानी चिड़िया है। यह मनुष्य के काफी करीब रहती है। इसे सामान्यतः गौरैया या हाउस स्पैरो कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है। आंखें छोटी होती है। चोंच भी होती है। पर्चिंग तंत्र पाया जाता है। ये अपने घोंसले घर, वृक्ष, दीवारों के छिद्र आदि में बनाते हैं एवं 4 से 6 अंडे देते हैं। नर एवं मादा अलग अलग पाए जाते हैं। मादा का रंग राख के समान होता है। धूसर भूरा रंग होता है। जनन काल वर्ष भर चलता है। अगला है फोनिकॉप्टेरस। फोनिकॉप्टेरस या फ्लेमिंगो। क्लासिफिकेशन: फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एविज, ऑर्डर सिकानिफार्मिस, जीनस फोनिकॉप्टेरस। कमेंट्स: यह एशिया के अधिकांश भागों में पाया जाता है एवं समूह बनाकर रहते हैं। इसे फ्लैमिंगो के नाम से भी जाना जाता है। यह पीले गुलाबी रंग का होता है एवं खड़े होने पर 1 मीटर लंबा हो जाता है। चोंच लंबी होती है एवं सिर पर एक जोड़ी आँख पाई जाती है। पैरों के टोज के बीच बीच में झिल्ली वेब पाई जाती है। यह तेजी से उड़ने में सक्षम होता है। उड़ते समय दोनों पंख वी आकार के होते हैं। इसकी जीभ मांसल होती है जो प्लंजर की तरह कार्य करती है। ये 1 या 2 अंडे एक बार में देती है। लास्ट में है यूडाइनेमिस। ये डायग्राम यूडाइनेमिस नर पक्षी का है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कोयल बोलते हैं। यूडाइनेमिस क्लासिफिकेशन: फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एविज, ऑर्डर कुकुलिफार्मिस, जीनस यूडाइनेमिस। कमेंट्स: यह साधारणतः कोयल के नाम से जाना जाता है। शरीर लंबा परंतु पूंछ ज्यादा लंबी होती है। नर व मादा अलग से पहचाने जा सकते हैं। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में स्पष्ट रूप से विभाजित रहती है। नर का रंग चमकदार काला होता है। मादा का रंग भूरा होता है तथा उस पर अनेक सफेद धब्बे पाए जाते हैं। नर की पूंछ मादा की पूंछ से लंबी होती है। इनको आकार की बजाय आवाज से ज्यादा पहचाना जाता है। ये घोंसले नहीं बनाती हैं, ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती हैं। इनके अंडे का रंग पीले हरे तथा कत्थई धब्बेदार होते हैं। यह समस्त एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। 5 टाइपिकल वर्ड्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।